हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महादेव डीजे एंड टेंट हाउस। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ विचुअल डीजे में कि हेडफोन आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो चलो देख लेते हैं वीडियो में इसको कैसे कनेक्ट करना है। और दोस्तों, एक सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलो देखते हैं वीडियो में इसमें हेडफोन को कैसे कनेक्ट करना, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, क्या चाहिए आपको? एक साउंड कार्ड चाहिए होगा अपने लैपटॉप के लिए। तो आपको साउंड कार्ड इंजेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, आपको अपने डीजे की ओक्स और आपको साउंड कार्ड को सबसे पहले इंजेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने विचुअल डीजे को ओपन करना है। इस तरीके से आप विचुअल डीजे को ओपन कर लीजिएगा। देखिए ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। तो अपनी सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग में आपको ऑडियो पे जब जाएंगे तो आउटपुट में आपको स्पीकर प्लस हेडफोन को करना है, और हार्डवेयर में आपको यूएसबी साउंड कार्ड करना है, ये जो जैसे कि मैंने किया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे आना है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चैनल 1 और 2 पे आपको क्या करना है, हेडफोन हाई रेजुलेशन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मेन मास्टर पे आपका रहेगा। सेकंड आपका क्या है, हेडफोन को आपको क्या चलाना है, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड से आप इसको यूज़ करें तो आपको दूसरा ही साउंड कार्ड पे करना है, और लास्ट में आकर के आपको अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, मिक्सर, वीडियो और मास स्क्रैच एंड मास्टर। आप मास्टर पे आपको आना है और अपने हेडफोन की वाली वॉल्यूम जो है ये आपको एडजस्ट करनी है, कितनी आप वॉल्यूम करना चाहते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा वॉल्यूम करना चाहते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको मिक्सर पे आना है, और जैसे कि क्रॉस ओवर जिस तरफ रहेगा उसी तरफ आपका मेन पॉइंट रहेगा, और ये आपका हेडफोन का ऑप्शन है जिस लाइन में आपका हेडफोन चलेगा। अगर ये लाइन आप चलाते हैं तो इसमें आपका हेडफोन रहेगा, अगर इसमें आप सुनना चाहते हैं तो इसमें आपका हेडफोन आ जाएगा। अगर दोनों करते हैं तो दोनों की आवाज़ आपको आएगी। जैसा कि मैंने आपको अभी प्ले करता हूँ, ये मेन मास्टर हमारा प्ले हुआ है, ये भी आपको आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी। सो दोस्तों देखिए, जैसे ही हम गाना प्ले करते हैं इसमें, ये मेन मास्टर हमारा प्ले हुआ है, और हमारा जो हेडफोन है वो बेस में दिखाई दे, इसमें स्टार्ट हो रखा है। तो हम हेडफोन के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले रैक में जाते हैं, गाना चलाते हैं। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं माइक साइड में करता हूँ, मैं वूफर में दिखाता हूँ, आपको भी वूफर में आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए, ये वूफर की आवाज़ आपको आ रही है अभी, ये वूफर की आवाज़ आपको आई। अभी मैं आपको हेडफोन चला करके दिखाता हूँ कि हेडफोन में कैसी आवाज़ आ रही है। ये देखिए, मैंने हेडफोन का गाना प्ले किया और ये हेडफोन के पास लेकर के जाता हूँ मैं आपको अभी। ये देखिए, अभी आपको हेडफोन में की आवाज़ आ रही है। और सेकंड जो हमारा मेन चालू है, तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होता, इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कि हमें पता लग जाता है कि हमारा नेक्स्ट गाना कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है हमें, और उसकी बीट मैचिंग हमें अच्छी तरीके से हो जाती है। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।